नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या रहा मैच का हाल। दोस्तों, इस खबर को जानकर के आपको खुशी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया ने एडिलेड में खेला जा रहा दूसरा वनडे रोमांचक तरीके से जीत लिया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया नेक्स्ट मैच में भी जीत जाए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 299 रन बनाने का टारगेट रखा था। जवाब में कप्तान विराट कोहली शतकीय पारी और महेंद्र सिंह धोनी की 50 की बदौलत टीम ने आखिरी ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर मुकाबला जीत लिया। इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने 112 बॉल्स पर 104 रन बनाए, जबकि धोनी ने नाबाद 55 रन की अहम पारी खेली। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 43 और शिखर धवन ने 32 रन की पारी खेली। इससे पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन शॉन मार्श ने बनाए। उन्होंने 123 गेंदों पर धुआंधार 131 रन बनाए। उसके बाद सबसे ज्यादा स्कोर ग्लेन मैक्सवेल का रहा, जिन्होंने 48 रन बनाए। मैक्सवेल की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 300 के करीब का आंकड़ा छू पाया। भारत की ओर से सबसे कामयाब गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 45 रन देकर के 4 विकेट लिए। भारतीय टीम के सामने आज करो या मरो की जैसी स्थिति थी। अगर आज इंडिया ये मैच हार जाती तो सीरीज से बाहर हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 58 रन देकर के 3 विकेट चटकाए। हैंडस्कॉम को रविंद्र जडेजा की गेंद पर धोनी ने स्टंप किया, वहीं स्टॉइनिस को शमी की बॉल पर धोनी ने लपका। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच सिडनी में हुआ था, जिसमें भारत 34 रन से हार गया था। भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव किया था। हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए और सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्हें खलील अहमद की जगह टीम में शामिल किया गया था। भारत की इस वनडे सीरीज को इस साल इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज की तैयारी से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज फिर महेंद्र सिंह धोनी का जलवा दिखा और नाबाद अर्धशतक से टीम को उन्होंने जीत दिलाई। सिडनी वनडे में पूर्व कप्तान एमएस धोनी की धीमी बल्लेबाजी को लेकर के बहस चल पड़ी थी कि क्या धोनी वनडे टीम में वो भूमिका निभा सकते हैं जितनी की मध्य क्रम के बल्लेबाज से अपेक्षा होती है। हालांकि रोहित शर्मा ने शतक लगाया, उन्होंने 129 गेंदों पर 133 रन बनाए। उसके बाद सबसे बड़ा स्कोर धोनी का था, जिन्होंने 51 रन बनाए, मगर उन्होंने ये रन 96 गेंदों पर बनाए। धोनी और रोहित शर्मा ने चौथे विकेट के लिए 137 रनों की भागीदारी निभाई थी, लेकिन धीमी बल्लेबाजी की वजह से बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया और पूरी टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 254 रन ही बना सकी और भारत 34 रन से हार गया। बात करें आज के मैच की तो इसमें कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सामने आए और एक नया इतिहास लिखा गया। कप्तान विराट कोहली के शतक की बदौलत और महेंद्र सिंह धोनी की अहम पारी से क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास लिखा गया। इस मैच में भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो आइए जानते हैं इस विश्व रिकॉर्ड के बारे में। हुआ यूं कि दूसरे वनडे मैच में धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पीटर हैंडस्कॉम रविंद्र जडेजा की गेंद पर स्टंप किया। धोनी ने इस मैच में बेहद ही फुर्ती के साथ किपिंग की। पीटर हैंडस्कॉम इस मैच में मात्र 20 रन ही बना पाए। धोनी की ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16वीं स्टंपिंग थी। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 100 स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। धोनी क्रिकेट जगत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनके नाम वनडे क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड है। धोनी ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंपिंग श्रीलंका 24 के खिलाफ की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 16, इंग्लैंड 16 और वेस्टइंडीज 14 के खिलाफ सबसे ज्यादा स्टंपिंग कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने द्रविड़ और अजरुद्दीन की बराबरी करी है। आपको बता दें कि धोनी ने राहुल द्रविड़ और अजरुद्दीन के बराबर एक दिवसीय मैच खेले हैं। राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजरुद्दीन और महेंद्र सिंह धोनी ने 344 एक दिवसीय मैचेस भारत की तरफ से खेले हैं। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 463 एक दिवसीय मैचेस खेले हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शमी ने भी इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 58 रन देकर के 3 विकेट चटकाए। इसी के साथ ही उन्होंने भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के 96 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भुवनेश्वर कुमार एक नया रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। भुवनेश्वर कुमार ने एडिलेड के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट लिए, लेकिन एक बार फिर से इतिहास रचने से चूक गए। अगर वो आज ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट झटका देते तो वो एडिलेड के मैदान पर विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बन जाते। वहीं भारतीय टीम की फील्डिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने फिर अपना कमाल दिखाते हुए अपना जलवा दिखाया। हुआ यूं कि जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को ऐसे वक्त आउट किया जब वो भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे।
दरअसल दूसरे विकेट के लिए ख्वाजा और मॉर्श के बीच में 56 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ऐसे में ख्वाजा ने पॉइंट की तरफ धीरे से शॉट मारा और रन के लिए दौड़ पड़े। कंगारू बल्लेबाज जब तक क्रीज पर पहुंचता, जडेजा का थ्रो विकेट पर लग चुका था। आपको बता दें कि जडेजा ने ये थ्रो डाइव मारते हुए लगाया था, लेकिन उनका निशाना इतना सटीक था कि ख्वाजा की गिल्लियां उड़ गई। उस्मान 21 रन बना करके पवेलियन लौटे। तो दोस्तों, आज के मैच का ये ब्यौरा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है और तीसरा और निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को मेलबोर्न में खेला जाएगा। आशा करते हैं कि अगले मैच में भारतीय टीम अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखते हुए वनडे सीरीज अपने नाम करेगी। वैसे आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल क्रिक गर्ल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।